सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरा वाली जी का ओ सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगता त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपास्कृतयैतत् आप्यायते समलमाघवीर्यै त्वं वेषवीशाकिरणन्दवीर्या विश्वस्य बीजं परमादिवाय सम्मोहितं देवि समास्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्यासमस्तास्तव देवि भेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमन्वयैतत् काते स्तुतिः काव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिणी त्वं सुता स्तुतेका भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणोऽस्तुते काकाशादिरूपेण परिणामप्रदायिणी विश्वस्य परतौ शक्त्यै नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गले शुभे सर्वार्थसाधिके शरण्ये जम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिश्रीविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाशय गुणमय नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भाक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्रायुधर महावृषभवाहिणि
మాహేశ్వరీ స్వరూపేణ నారాయణి నమోస్తుతే మయూర కుక్కుడవృతే మహాశక్తిధరనఖే కౌమారీ రూప సంతాన నారాయణి నమోస్తుతే శంఖ చక్ర గదాశాల గృహీత పరమాయుధే ప్రసీద వైష్ణవీ రూపే నారాయణి నమోస్తుతే చక్రదృష్టాధృతవసుందర వరాహరూపిణీ శివే నారాయణి నమోస్తుతే నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతం దత్యాంగితోద్ధమే త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోస్తుతే కిరీటిని మహావక్ష సహస్రవయనాగ్రే వృత్రప్రాణహర చక్రి నారాయణి నమోస్తుతే శివదూతిస్వరూపేణ హతదత్య మహాబలే ఘోరూపే మహారామే నారాయణి నమోస్తుతే దష్టాకరాలవదనే శిరోభారవిభూషణే చాముండే ముండమదనే నారాయణి నమోస్తుతే లక్ష్మీలజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టిస్మృతే ధ్రువే మహారాత్రి మహావిద్య నారాయణి నమోస్తుతే మేఘే సరస్వతీవరే భూతిభ్రవితామసి మేఘే సంసీదశ నారాయణి నమోస్తుతే సర్వస్వరూపే సర్వేశ్య సర్వశక్తి సమన్వితే వరవస్త్రాహినో దేవి దుర్గా దేవి నమోస్తుతే సౌమ్యం లోచన త్రయభూషితం పాతుణ సర్వీతిభ్యత్యాయణి నమోస్తుతే జ్వాలాకరాలమస్తుగ్రహశాసురసూదనం త్రిశూలం బాలనోభీరభద్రకాళీ నమోస్తుతే హిణాదిత్యతేజాసి స్వణేన పూరిజా జగత్ సాఖండా పాతుడో దేవీ పాపేభ్యో నుతానివ అసురా సర్వసర్పంగజ్వల శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వామృతామయ రోగానశేషానపహంసిదుష్టా అనుష్టానుకామాన్ సకలానభీష్టాన్ శాస్త్రేషు వివేకదీపే శాస్త్రేషు వాక్యేషు జగత్వదన్యా మమత్వచర్చే మహాంధకారే విద్వామయత్యేతరతీవ విశ్వం రక్షాసి యత్రోద్భవిషాచనగ స్థితాత్వం పరిపాసి విశ్వం విశ్వేశ్వరీ త్వం పరిపాసి విశ్వం విశ్వాక్యకాధారయతి విశ్వం విశ్వేశ్వరవద్యా భవతి భవంతి విశ్వాశయాగే త్వయి భక్తి నమ్రాః దేవీ ప్రసీద పరిపాలయనోరభితే నిత్యం యథా సుర్వః దధునేవ సద్యః పాపాని సర్వజయతా దశమాయాషు ఉత్పాదపాకజనితా శమహోపసర్గాన్ ప్రణతానా ప్రసీదత్వం దేవీ విశ్వాతిహరుణి లోకానా వరదా భవ దేవ్యోవాచ వరదాహం సుర్గణా వరం జన్మన సిద్ధ
तं प्रलुब्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वाभावप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारमस्मद्गरिविनाशनम् देव्योवाच देवकृतञ्जये प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्त्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यनिरौणेन रूपेण पृथवीतले अवतीर्यमनिष्यामि व्यप्रचित्तान् सुदानवान् वक्ष्यन्ता च तानुग्रान् व्यप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादना भविष्यन्ते दानवे कुसुमोपमाः ततो मां देवताः सर्वे मर्त्यलोके च मानवाः सुबन्धो वा हरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयच्च शर्वाशिक्या मणावृष्ट्या मणम्भसि मुनिभिः संसुता भूमा सम्भविष्यामि यो निजा कदाशदेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् वेतयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलम् लोकादात्मदेह समुद्धवैः भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम् भरिर्विख्यातिम् तदा यास्याम्यहम् भुवि तत्रैव जगधीष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गायैर्विख्यातम् तन्मे राम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षामि भक्षयिष्यामि मुनीनां कारणात् तदा मा मुनयः सर्वे स्तोष्यन् जानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा नाख्यस्ते लोके महाभागं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्ख्यषट्पदम् त्रैलोक्यस्य हृदार्थाय वधिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मा लोकाः सदा स्तोषन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा वाह दानवोऽर्था भविष्यति तदा तदावतीर्याः करिष्यामरीसाक्षाम् इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युद्दामसमप्रभं दिगपदे स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिगर्वालखेदविलस हस्ताभिरासीविताः हस्तैः शक्रगदाधिखेदविशिखाश्च चापगुणं तर्जनिः बिभ्राणामलात्मिकं शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेः ॐ विद्युवाय एभि सर्वेषां नित्यं स्वर्षदेयः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुखेडवनाशं च महिषासुरघातनम्
एतैष्यन्ति एतद्वत्पथं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानं चावदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो नाभयं तस्य दस्युतो वा न राजितः राक्षसानन्दो यो ह कदाचित् सम्भविष्यति अस्मान्मवेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थेन हितत् उपसर्गानशेषातु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिमिलमुत्पातं नाहत्यं शमये मम यत्रेतत् पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तर्जिमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजाया भक्तिकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चारं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाभागार्विजर्मुक्तो धनधान्यासुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वामेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं जाति कल्याणं चोपपद्यते वन्दते च कुलं पुंसामाहात्म्यमव शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोक्रासु माहात्म्यं शृणुयामः अवसर्गाः शमं यान्ति गृहपीडासु दारुणाः दुःसवनं जनिभिर्दृष्ट्वं सुसवनामुपजायते बालकाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घाजभेदेतीणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं दरम् रक्षो भूतविशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपे च गन्धदीपे सहोत्तमैः विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयेह निशम् अन्ये च विविधे भोगे प्रदाने वत्सरेणया कीर्तिर्मे कीर्ते तास्मिन् सर्गे सूचयते श्रुते क्षुरं हरति पापाणि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं न युद्धेषु चरितम् निवर्हणम् कस्मिच्छुदेवैः कृतं भयं संसारं जायते युष्माभिसुतयो जास ब्रह्मश्रीभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभवते अरण्ये प्राञ्जले वापि दावाग्नि परिवारितः कस्मिर्वाशून्य गृहीतो भविशत्रुभिः सिंहव्याख्यानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राख्या क्रुद्धेन चाग्रप्तो बद्ध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो भावेन त्रिभागोते महानवे पदस्तु चापि शत्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यन्तितोऽपि वा स्मरण्मेतच्चरितं दर उच्चेत सङ्गणात् मम प्रभावासि राजा दस्य गोवर्णस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतच्चरितं मम हरिशीर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत
जगद्युध्वंसनीतस्मिन्महोत्रेतुलविक्रमे ऋषुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमायुः एवं भगवती देवी सादित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैर्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते राजाविराज विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारि स्वरूपया सेवकाले महामारि सेवसिष्टिर्भवत्वजा श्रीलिङ्गरोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकारेण्यां सेव लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सन्दूलिता पुष्पेर्धूपग्रन्थादिभिस्तः ददातिवृत्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिव उवाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् नाकवचं नाकिला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं ना सूक्तं नापि ध्यानं च नाजासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगृहतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिर्वपार्वती पारणं मोहनं वर्षं स्तम्भनोच्चारणादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् चामुण्डायै विष्टे ॐ ग्लौं ह्रों क्लीं ग्लुं सः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विष्टे ज्वल हां क्षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिणे नमः शैलवहारिण्य नमस्ते महिषादणि नमस्ते शुम्भाशुम्भासुरगादणि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं गुरुश्रमे ऐकारि सृष्टिरूपाय हिङ्कारि प्रतिपालिका हिङ्कारि कामरूपिणे मीलरूपेण नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघासी च एकारी वरदायिणी विश्चेदाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी ह्रीं ह्रूं धूर्यदेहपत्नी वां वीं भूं वागधीश्वरी ह्रां क्लीं ह्रूं कालिकादेवी शां क्षीं शों मे शुभं गुरु हौं हौं हौङ्काररूपिणे जं 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 भणादिणि ह्रां ह्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं टं तं पं यं षं ह्रीं ह्रूं ऐं ह्रीं हं षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय नित्यं गुरु गुरु पार्वती पूर्णा हां क्लीं ॐ खेचरी तथा सां क्लीं सों सप्तशती देव्या भक्तसिद्धिं गुरुष्टमे विलङ्को कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत्।
नाकस्य जायते चित्ते अरण्ये रोदनं यथा। श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेदव्यासी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा आपदुद्धारक नमस्ते चरणे शिवेशानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापि के विश्वरूपे नमस्ते जगदंग पादाय बिंदे नमस्ते दुर्गे नमस्ते जगचंद्रमाय स्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानंदरूपे नमस्ते जगत्तारिणि सहि दुर्गे अनाथ जनिनाच त्रिगुणानुरक्ष्य भयात च भीतस्य वत्सत्वजन्तो त्वमेकागतिर्विनिर्तारकर्ति नमस्ते जगत्तारिणि सहि दुर्गे अरण्ये स्तोत्रं
जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फलदे जय शुंभ निशुंभ कपाल सरस्वती वंदना रवि पिता हरि
पाप क्षमा प्रार्थना अपराध अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय गणनाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा
बिंदु स्वरूपा, अर्धमात्रा, जिसका विशेष रूप से उच्चार नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। सच्चिया जोता वाली जयकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर, श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। रोगान शेषान अभंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्चिदानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्चिदा या शयताम प्रियांती। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कोपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। विद्या सुशास्त्रेषु विवेक दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु का त्वदन्या ममत्व गर्ते महांधकारे विभामते तति विश्वम। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही हो। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बार की जय। जब किसी भी देवता ने हमारी मनोकामना को पूर्ण नहीं किया है, हमारे कष्टों को दूर नहीं किया है, तो अंत में हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की ही अनन्य शरण ग्रहण करते हैं और माता रानी जी हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देख के अथवा किसी न किसी माध्यम से हमारे सभी प्रकार के कष्टों को साधा के दूर कर देती है। आप जानते हैं कि राजा प्रेक्षक जी महाराज, जिन्होंने द्वापर तथा कलिकाल की संधि में सोने का मुकुट पहनने पर बुद्धि भ्रमित होने पर ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, तभी उनके पुत्र ने यह श्राप दिया था कि जिस किसी भी मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सांप डाला है उसकी 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए। और ये जानते हुए राजा प्रेक्षक जी महाराज कि मेरी 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया, परंतु फिर भी उनके पुत्र राजा जनमेजय सदैव दुखी रहते थे। उनके स्वर्ग सुधारने के बाद राजा जनमेजय उनके पुत्र दुखी रहते थे। ऐसा देख करके व्यास जी ने उनको पूछा था कि राजन, आप शोकग्रस्त क्यों रहते हो? मैं जानता हूँ कि आपके पिताजी को सदगति नहीं प्राप्त हुई है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए इसके लिए आप अम्बा यज्ञ करो और उसमें दुर्गा की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण भी करो, इससे आपके पिताजी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनकी मुक्ति होगी, उनकी सदगति होगी। तब राजा जनमेजय जी ने उन्हीं व्यास जी से प्रणव मंत्र की जो दीक्षा ग्रहण की और नवरात्र आने पर उन्होंने अम्बा यज्ञ करना प्रारंभ किया और इसमें उन्होंने धन की कृपणता किए बिना जो दिल खोल करके इस यज्ञ में धन लगाया और विद्वान मुनियों को बुला करके इस यज्ञ में जो उनके द्वारा श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण भी करना प्रारंभ किया। दुर्गा के समक्ष वो श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करने लगे, माता जी को भी सुनाने लगे। तब उन्होंने इस यज्ञ में सुवासिनी स्त्रियों को, ब्रह्मचारियों को, दीनों को, कन्याओं को दिल खोल करके धन बांटा, धन की कृपणता नहीं की, उनकी इच्छानुसार उनको वस्त्र, आभूषण, अन्न, धन इत्यादि दिया। और जब ऐसा करके वो अपने आसन पर आरूढ़ हो रहे थे तभी उन्होंने देखा कि अग्नि की प्रज्वलित जो शिखाओं के समान तेज वाले नारद जी महाराज अपनी महती नाव वीणा द्वारा गायन करते हुए आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रहे हैं। उनको देख करके आश्चर्यचकित होकर के राजा खड़े हो गए और उनके आने पर उन्होंने विधि पर उनको आसन दे करके उनके चरण धो करके उनका आदर सम्मान किया और पूछा कि महाराज, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरे योग्य जो सेवा हो उसे बताइए और ये भी बताइए कि आपका किस कारण जहाँ पर आना हुआ है।
उस समय नारद जी कह रहे हैं राज जनमेजय जी से कि महाराज आज मैंने जो देवलोक में एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी है, मैंने देखा है कि आपके पिताजी जो दिव्य विमान पर बैठे हुए थे वो उनको दिव्य विमान पर बैठे थे, उनकी अप्सराएं तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे और वो उस दिव्य विमान पर बैठ करके माता जी के परम धाम मणिद्वीप को गए हैं। निश्चय रूप से आपने ये जो इस यज्ञ में यज्ञ किया है, श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण किया है, इससे आपके पिताजी को सदगति की प्राप्ति हुई है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और आपने नरक से उनका उद्धार कर दिया, क्योंकि शास्त्र में कहा हुआ है कि पुंग नाम नरक आय तारते सा पुत्रा, जो पुंग नाम नरक से पिता का उद्धार करता है उसी को पुत्र की सार्थकता होती है। जीवंती सेवते, जो जीवन काल में उनकी सेवा करता है और मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध तर्प करता है वही पुत्र कहलाता है और आपका पुत्र होना सार्थक हो गया। उस समय राजा यानी बड़े प्रसन्न हुए और गदगद वाणी से उन्होंने व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज मैं आपको प्रणाम के सेवा क्या दे सकता हूँ, मेरे योग्य जो सेवा उसे बताइए। उस समय व्यास जी ने अपने आशीर्ष वचनों से राजा को कहा कि राजन आगे आने वाले समय में भी आप अम्बा यज्ञ करना और श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण करना, इससे अनायास ही आप संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ये विष्णु पुराण शिव पुराण ये श्रीमद देवी भागवत पुराण की सोलहवीं कला की विषमता नहीं कर सकते, जिसमें स्वयं मूल प्रकृति का प्रतिपादन हुआ है उसके समान दूसरा पुराण कौन हो सकता है, जिसमें वेदों का सार है इसको विद्वान ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए। ऐसा कहकर के व्यासदेव जी धौम्यादि मुनि जो देवी भागवत की कथा का पाठ कर रहे थे वो सभी अपने अपने धाम को चले गए हैं और राजा प्रसन्न हुए और उन प्रसन्न चित्त से आगे आने वाले समय में भी श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण किया, अम्बा यज्ञ किया, इससे वो संसार बंधन से मुक्त हो गए। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उनके धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जी आदिकाल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य भाव विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, उपाय के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं। पूर्व काल में भक्त जन इसी प्राकृतिक मार्ग के द्वारा जागर के गुफा के द्वारा जागर के पूर्ण पिंडी महारानी के दर्शन करके जिस प्रकार जल परिक्रमा कर रहा है पिंडी महारानी की, इसी प्रकार परिक्रमा करके इसी मार्ग द्वारा बाहर आ जा करते थे, परंतु कालांतर में भक्तों की बढ़ती संख्या को देख करके अन्य मार्ग बनाए गए और माता जी ने अपने पूर्ण शरीर को शीर्ष तक दिव्य पिंडियों के रूप में सोने चांदी के पत्थर से जड़ लिया, अर्थात कलिकाल में केवल दिव्य पिंडियों के रूप में ही दर्शन देना स्वीकार किया। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पाड़ी पार प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज चंद्रमा बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव रहते हैं, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, परंतु शिव इन शक्ति के बिना अधूरे हैं, क्योंकि शिव में जो इकार है यही शक्ति स्वरूपा कुंडलनी है, यदि हम इस कार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं शव रह जाते हैं, अर्थात हम ही भक्ति नहीं देवता भी शक्ति बिना अधूरे हैं। और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं वो केवल ऐं या अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं, अथवा ऐं के आगे ओम तथा पेशी ओम लगा करके ऐं को ओम द्वारा संपूर्ण करके ओम ऐं ओम इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं कि बीरबल जी महाराज कितने विद्वान थे और वो केवल इसी ओम ऐं ओम का निरंतर जाप किया करते थे और इसी के द्वारा उनको अकुर के दरबार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश देश में सिद्धिमान प्राप्त होता है और क्लीं के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुता रोगों का नाश होता है, चामुंडा माता जी का नाम एवं बच्चे के रूप में आप हमें अभी प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाजे विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाजे विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाजे विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विद्महे सत्या ज्योता वाली माता तेरे सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चल सके, क्योंकि इनमें से एक की भी न्यूनता होने से हमारी गृहस्थी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती है। केवल हमारे पास धन ही है, विद्या नहीं है, तो विद्या के बिना जान नहीं पाएंगे धन को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है। अर्थात पहले धन का उपार्जन ही गलत होगा और फिर कमाया हुआ जो धन है करोड़ों की फिजूल खर्ची होगी। और केवल विद्या ही है, धन नहीं है, तो पांडित्यम ने भी शोभते तो है बिना लक्ष्मी, पंडिताई भी लक्ष्मी बिना शोभा नहीं देती। भले पुरुष कितना विद्वान हो, जैसी विशेष करके कलिकाल में उसका वेशभूषा अच्छा नहीं है, उसका भी आदर सम्मान नहीं होता, और शक्ति बिना दोनों वस्तुओं का मिलना दुर्लभ है। अतः ये तीनों शक्तियां स्वतः प्राप्त हों, हमें कलिकाल में विशेष उद्धार करने वाले इस निवारण मंत्र का जाप उच्चारण अवश्य करना चाहिए। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में सुन जो माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिंदर जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर जी। जयकारा शिरोमणि जी का दरबार की, तेरे पूजन को है मां बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को है मंदिर आलीशान, बड़ा तेरे चरणों में है माँ मुझे भक्ति का दो वरदान, बड़ा तेरे चरणों में है माँ मुझे भक्ति का दो वरदान, बड़ा तेरे चरणों में है माँ मुझे भक्ति का दो वरदान, बड़ा तेरे मंदिर आलीशान को हे मां बना मन मंदिर आलीशान। ताली के बाद देनी है, सभी बच्चे हाथ ऊपर डाल माता ने हाथ ही देंगे और उनका बोलेंगे फिर कर जय माता दी। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तेरा है पाया, किसने जाने तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया किसने भेद तेरा है पाया, किसने जानी तेरी माया किसने भेद तेरा है पाया। हरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, हरे ऋषि मुनि कर ध्यान ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, हरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, मां तेरे पूजन को है मां बना मन मंदिर आलीशान, पूजन को है मां बना मन मंदिर आलीशान, बड़ा तेरे चरणों में है मां मुझे भक्ति का दो वरदान,
की तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत निरंगा रहे बना मन मंदिर आलीशान तू है निराकार हे मां बना मन मंदिर आलीशान तू है निराकार हे मां बना मन मंदिर आलीशान है निराकार हे मां बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को हे मां बना मन मंदिर आलीशान पड़ा तेरे चरणों में हे मां मुझे भक्ति का दो वरदान पड़ा तेरे चरणों में हे मां मुझे भक्ति का दो वरदान ये संसार है तेरा मंदिर तू ही रमी है इसके अंदर ये संसार है तेरा मंदिर तू है रमी है इसके अंदर ये संसार है तेरा मंदिर तू ही रमी है इसके अंदर ये संसार है तेरा मंदिर तू ही रमी है इसके अंदर ऋषि मुनि सब ध्यान बना मन मंदिर करते ऋषि मुनि सब ध्यान बना मन मंदिर आलीशान करते ऋषि मुनि सब ध्यान बना मन मंदिर आलीशान करते ऋषि मुनि सब ध्यान बना मन मंदिर आलीशान वो तेरे पूजन को हे मां बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को हे मां बना मन मंदिर आलीशान पड़ा तेरे चरणों में हे मां मुझे भक्ति का दो वरदान पड़ा तेरे चरणों में हे मां मुझे भक्ति का दो वरदान मन में तू ही कन में तू ही रमी है सबके मन में तू ही मन में तू ही कन में तू ही रमी है सबके मन में तू ही मन में तू ही कन में तू ही रमी है सबके मन में तू ही मन में तू ही कन तू ही रमी है सबके मन में तू हर दिल में है विद्यमान हो मन मंदिर आलीशान तू हर दिल में है विद्यमान बना मन आलीशान तू हर दिल में है विद्यमान बना मन मंदिर आलीशान हर दिल में है विद्यमान बना मन मंदिर आलीशान ओ तेरे पूजन को हे मां बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को हे मां बना मन मंदिर आलीशान पड़ा तेरे चरणों में हे मां मुझे भक्ति का दो वरदान पड़ा तेरे चरणों में हे मां भक्ति का दो वरदान तू तेरा राजा रंग बनाए तूने छोटे बड़े बनाए तूने राजा रंग बनाए तूने छोटे बड़े बनाए तूने राजा रंग बनाए तूने छोटे बड़े बनाए तूने राजा रंग बनाए तूने छोटे बड़े बनाए ओ तेरी लीला बड़ी महान बना मन मंदिर आलीशान तेरी लीला बड़ी महान बना मन मंदिर आलीशान ओ तेरी लीला बड़ी महान बना मन मंदिर आलीशान तेरी लीला बड़ी महान तेरे पूजन को हे मां बना मन मंदिर आलीशान पूजन को हे मां बना मन मंदिर आलीशान ओ पड़ा तेरे चरणों में हे मां मुझे भक्ति का दो वरदान तेरे चरणों में हे मां मुझे भक्ति का दो वरदान झूठे जग की झूठी माया मूर्ख इस
की झूठी माया मूर्ख किसमें क्यों भरमाया झूठे दर से झूठी माया करने जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान करने जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान हो करने जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान माँ तेरे पूजन को हे माँ बना मन मंदिर अपना तेरे चरणों में हे माँ मुझे भक्ति का दो वरदान तेरे चरणों में हे माँ मुझे भक्ति का दो वरदान अपना तेरे चरणों में हे माँ मुझे भक्ति का दो वरदान अपना तेरे चरणों में हे माँ मुझे भक्ति का दो वरदान 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 माँ मुझे भक्ति का दो वरदान मुझे भक्ति का दो वरदान मुझे भक्ति का दो वरदान भक्ति का दो वरदान दरबार की जय एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जी जयकार शरण बोल सच्चे दरबार की जय मेरी दाती दया हर कुते कर दिए भक्त दे भंडार भवानी कर दिए मेरी दाती दया हर एक दे कर दिए भक्त दे भंडार भवानी पर दिए मेरी दाती दया हर एक दे कर दिए भक्त दे भंडार भवानी पर दिए मेरी दाती दया हर एक दे कर दिए भक्त दे भंडार भवानी पर दिए कटे कर दिए भक्त रे भंडार भवानी पर दिए दाती दया कर दिए भक्त रे भंडार भवानी पर दिए मेरी दाती दया कटे कर दिए भक्त रे भंडार भवानी पर दिए ऐसी महिमा गागा ब्रह्मा ने वेद बनाए माने वेद बनाए शिव शंकर इंद्र विष्णु सब ऐसे ने उपजाए शिव शंकर इंद्र विष्णु सब ऐसे ने उपजाए ऐसे भी महिमा गागा ब्रह्मा ने वेद बनाए ऐसे भी महिमा गागा ब्रह्मा ने वेद बनाए शिव शंकर
भक्ता ने भंडार भवानी कर दिए। मेरी दादी
दया हर कृपे करी भक्त दे भंडार भवानी कर दी दाती दया हर कृपे कर दिए भक्त दे भंडार भवानी कर दी मेरी दाती दया हर कृपे कर दी भक्त दे भंडार भवानी कर दी मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय मथेरिया दलीजा बिच जिन्हे मथा टेकिया मथेरिया दलीजा बिच जिन्हे मथा टेकिया खुशियां का पल उन्हां घरां बिच देखिया खुशियां का पल उन्हां घरां बिच देखिया तेरिया दलीजा बिच जिन्हें मत्था टेकिया तेरिया दलीजा बिच जिन्हें मत्था टेकिया खुशियां का पल उन्हां घरां बिच देखिया खुशियां का पल उन्हां घरां बिच देखिया मतेरियां दलीजा बिच जिन्हें मत्था टेकिया तेरियां दलीजा बिच जिन्हें मत्था टेकिया ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਟ ਮਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਮਈਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਮਈਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਮਈਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਮਈਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਜਹੋ ਜਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਨਿਵਾਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਾਸ ਤੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਦ ਜਦ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਮਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਜਦ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੁਖਨਾ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੁਖ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਜਹੋ ਜਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਜਹੋ ਜਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ 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 ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਓਮ ਬੰਧੂਕ ਕਾਂਚਨ ਨਿਭੰ ਰੁਜਿਰਾਕਸ਼ ਮਾਲਾ ਆਸ਼ਾਂ ਕੁਸ਼ੋਸ਼ ਵਰਦਾ ਨਿਜ ਬਾਹੁ ਦੰਡੇ ਸਿਧਾਣ ਮਿੰਦੁ ਸਗਲਾ ਭਰਣੰ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰ ਮਰਧਾਂ ਵਿਕੇਸ਼ ਮਣਿਸ਼ੰ ਬਭੁਰਾਸ਼ਯਾਮ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਜ ਕੀ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲੀਨ ਆਰਤੀ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਭੋ ਬਣ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਅਤਹ ਆਪ ਸਭੀ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਏਵੰ ਪੁਣਿਆ ਕਰਮੀ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਆਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਕੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਵੀਂ ਔਰ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਕੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਜਾ ਸੇ ਅੱਖੇ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗਨ ਮੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਏਵਮ ਅਭਿਨੰਦਨ ਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਸਭੀ ਮਾਤ੍ਰੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਭੂਰੀ ਭੂਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਓਮ ਪੁਨਸਤਾਰੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾਣ ਵਸੂਨੀਥੇਨ ਵਰਧਯ ਸਤਿਆ ਸੰਤੁ ਜਰਮਾਨਸ ਕਾਮ
मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयोऽस्तु श्रीवर्षस्य आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभ शत्सम्पत्सं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरे सदा जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ भी आरती है, सभी बोलिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी हम को नीच दिन जावत मैया जी को नीच दिन जावत हरि ब्रह्मा जी। ओम जय अम्बे मैया दी को मृग मद को जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद्र मदन को। ओम जय अम्बे गौरी रक्षा कर राजे मैया रक्षा कर राजे रक्त पुष्प कल पर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत चिर के दुख हारी। ओम जय अम्बे नारद कुंडल को माता के मोती मैया नाता के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती धूम्रविलोचन नैना धूम्रविलोचन नैना दिन मधुभाती। ओम जय अम्बे गौरी हरे भैया जोनित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुर भय हीन करे। ओम जय अम्बे गौरी मैया तो कमलारा गम निगम पठाने तुम शुभ पटरानी। ओम जय अम्बे करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय मैया तुम्हारी हो भरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता दुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी मैया वर मोदा
विशाल विराट अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राज श्रीमाल के तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी भगवान चित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय सर करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सखियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय करा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी की पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, जल्दी बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आरती बेला, जय माता दी, आप बोला दी, जय माता दी, लक्ष्मी बेटा दी, जय माता दी, मेरा बाजी, जय माता दी, दुनिया बाजी, जय माता दी, हरे बेला, जय माता दी, पुरायन, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, लाल दी, जय माता दी, माने दुनिया, जय माता दी, उसी गुरु, जय माता दी, जय माता दी जोता वाली जय माता दी लाटा वाली जय माता दी चोलिया वाली जय माता दी दुनिया वाली जय माता दी चोलिया वाली जय माता दी हाड़ा वाली जय माता दी मंदरा वाली जय माता दी खटिया वाली जय माता दी खटिया वाली जय माता दी द्वारा वाली जय माता दी भवना वाली जय माता दी शेरा वाली जय माता दी गुफा वाली जय माता दी हाथ वाली जय माता दी रक्त कल्याणी जय माता दी आमा रानी जय माता दी बुद्धि रानी जय माता दी वैष्णो देवी जय माता दी आमा काली जय माता दी खप्पर वाली जय माता दी शक्ति गली जय माता दी लक्ष्मी मैया जय माता दी शक्ति द्वारी जय माता दी हरे कल्याणी जय माता दी सोलायन जय माता दी जय माता दी हंस द्वारी जय माता दी जय माता दी राण जय माता दी बुद्धि गली जय माता दी भक्ति गली जय माता दी जय जय अम्बे 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 जय जय माता जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरण में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वमङ्गलमङ्गले सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो नारायणी नमोस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूज्य श्री प्यारे महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी।
रत्नेन्द्र जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय शिवरा शारदा, मेरे कार्य करो हमें आनंदे आनंद करो, कल्याणी कल्याण मैया के पैर तो सतगढ़ी जो चरणा भाजान जय Shantakaram, Guru Chayanam,
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यानरंगं वंदे विष्णुं वामनं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं हरे मुरारे गोविंद गोपाल माधवं किशोरे ध्यानं भजे शरणं भजे भगवन्त नमोस्ते तस्या ज्योता वाली माता तेरी सदा कंठ फूला रानी माता तेरी सदा कविता बला कंद वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा सुख का माफ करने वाली माता तेरी सदा रुकड़ा बीठा दो तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का विनाश हो विश्व का विनाश हो विश्व का विनाश हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो हर हर महादेव बोलो बाबा शिवर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेर वाली दा।